अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और जैसे कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मेरी तंदूर वाली वीडियो को बहुत सराहा, कुछ सब्सक्राइबर्स ने तो तंदूर बना ही लिया अपने घर पर, जिसके इमेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बारबेक्यू ग्रिल बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमें एचआईओ का एक अदर ड्रम, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ का ले लिया है क्योंकि मुझे बहुत बड़ी ग्रिल नहीं चाहिए। और उसके अलावा इसकी कटिंग के लिए मुझे एक ग्राइंडर चाहिए, उसके साथ उस मेटल कटिंग का ब्लेड, एक अदर ड्रिल, और मेटल में होल करने के लिए हमें उसका बिट भी चाहिए होगा। इसके अलावा दो अदद कब्ज़े और कुछ नट बोल्ट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने इस ड्रम के टॉप साइड से और बॉटम साइड से इसका सेंटर निकाल लेना है। उसके लिए कोई भी एक लकड़ी लेके इस तरह से हम इसका इसमें एक लाइन लगा लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर पॉइंट। और इस लाइन को हम कंटिन्यू कर लेंगे। दोस्तों, ये तमाम तर लाइंस लगा लेने के बाद अब ये वाले एरिया को हम काट लेंगे। दोस्तों, इसकी कटिंग से पहले हमने इसमें कब्ज़े लगा लेने हैं, और कब्ज़े लगाने के लिए आपने इस तरह से कब्ज़े रख के इसका मार्क ले लेना है। दोस्तों, अब हम अपने ग्राइंडर की मदद से इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें कब्ज़े लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम किसी फाइल की मदद से इसके एजेस को रफ़ कर लेंगे, अदरवाइज़ ये हाथ में भी लग सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमारी ड्रम की कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम बनाने लगे हैं इसका स्टैंड। उसके लिए जो मैंने चकोर पाइप लिया था वो ले लिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे और इसका स्टैंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसके पहले चार लेग्स काट लेंगे और एक लेग का साइज़ तकरीबन 3 फिट होगा, तो मैंने यहाँ 3 फिट पर मार्क लगा लेना है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये चारों लेग्स कट चुके हैं और चारों लेग्स बराबर से काट लेने के बाद अब हमने इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगाना है और इसका सेंटर तकरीबन 1.5 फिट का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये लेग्स कट चुके हैं और इनमें मैंने होल भी कर लिए हैं और अब इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने नट्स एंड बोल्ट्स लगा लिए हैं और अब हम अपने ड्रम का जो डायमीटर है वो निकालेंगे और उसके बाद इसकी कनेक्टिंग रॉड बनाएंगे। तो जो ड्रम का हमारे डायमीटर होगा सेम उसी साइज़ की कनेक्टिंग रॉड कटेगी जो यहाँ ऐसे जॉइंट हो जाएगी। तो इस इंच टेप की मदद से हम डायमीटर इसका निकाल लेंगे और यहाँ पर इसका साइज़ है तकरीबन 14 इंच, तो हम 14 इंच की अपनी रॉड्स कट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी कनेक्टिंग बार्स भी काट ली हैं और अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी ये दोनों एक्स बार बन चुकी हैं और अब हमने इन दोनों के दरमियान में एक बार लगानी है जो कनेक्ट करेगी इन दोनों को, और उसके लिए हम हाइट निकाल लेंगे अपने ड्रम की। और मेरे ड्रम की हाइट है 26 इंच, मैं इसे तकरीबन 20 इंच रखूँगा। इन दोनों एक्स बार के बीच का जो गैप है बेसिकली उसको मैं 20 इंच रखूँगा। उसके लिए हमें चाहिए 20 इंच की रॉड्स, तो अब वो रॉड काट लेंगे।
ओके दोस्तों, तो यहाँ हमारा इसके स्टैंड का काम कंप्लीट हो चुका है। ये इसका स्टैंड तैयार है और अब मैंने इसके तमाम नट्स टाइट कर लिए हैं और अब हमने ड्रम उठा के इस स्टैंड के ऊपर रखना है और फर्दर दो तीन मार्क्स और लगाने हैं हमने और होल मज़ीद करने होंगे दो तीन, जिन होल्स पे हम इस ड्रम को टाइट कर सकें और उसके बाद फिर इसके ग्रिल लगाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ हमारी ग्रिल रेडी हो चुकी है और मैंने इसे तकरीबन एक दिन सुखा भी लिया है और अब ये कम्प्लीटली यूजेबल है। तो इस दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि ये ड्रम मैंने 700 रुपये का परचेज़ किया था, ये जो ग्रिल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये 100 रुपये की मुझे एक पड़ी है और ये जो इसका स्टैंड मैंने बनाया है ये तकरीबन 1000 रुपये का पड़ा है। तो मैंने ओवरऑल क्योंकि 3 ग्रिल परचेज़ किए हैं तो ये मुझे तकरीबन 2000 रुपये तक का ये पूरी बारबेक्यू ग्रिल पड़ गई है। तो चलें अब ये तैयार है तो इसमें कुछ बनाते हैं।